मजगांव डॉक है, 1000 शेयर एट द रेट ऑफ मजगांव डॉक का क्या रेट बोला आपने? 365 1000 रुपया। तीन सौ पैंसठ राइट? हाँ ओके तो हर्ष जी, ये दोनों खरीदारी तो आपकी बहुत बढ़िया लेवल पर है। ये आपने क्या, जून जून करेगा। अच्छा पिछले साल से आप वेट कर रहे हो इनके अंदर, तो अभी आप क्या चाहते हो, इसमें निकलना चाहते हो, आपने क्या सोचा है खुद? आईटीसी तो मैं होल्ड करने के लिए हूँ। आईटीसी अगर वो जितना भी नीचे भी आ, कुछ भी हो जाए उसको तो मैं होल्ड करूँगा, उससे मेरा कुछ खास लगा हुआ। क्यों, मैं कोलकाता का मैगोन डॉक के इसलिए? बारे में थोड़ा बता जी सर। कोलकाता का है इसलिए? नहीं, आईटीसी मेरे मतलब थोड़ा खास लगा हुआ, आईटीसी और कंपनी अच्छा, लेकिन नहीं, वैसे भी मैगोन कंपनी डॉक के बारे में थोड़ा वैसे भी इंटरेस्ट। वो हर्षजी बहुत अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, 100 साल पुरानी हिस्ट्री है, तो आप आराम से अगर उसको वैसे भी होल्ड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप खुद भी उसको चाह रहे हैं तो आपको रिटर्न भी बना के दे रहा है, दोगुना कर ही चुका आपका पैसा। क्या करना चाहिए गौरव? देखिए आईटीसी तो इन्होंने एक साइड एक कैटेगरी में रख दिया, उसे तो ये बेचेंगे नहीं, तो वो तो छोड़ दीजिए। अब आता है मझगांव डॉक, 350 रुपये के दाम पर खरीदारी है और 1300 रुपये आ चुका है, क्या करना चाहिए इसमें? ये काफी अच्छी खरीदारी है, काफी निचले स्तरों पे है। मैं इनको काफी बधाई देता हूँ, एक अच्छे स्टॉक को बाय किए हैं दोनों ने। सॉरी, और दोनों को बने रहे वो सबसे बड़ी बात है। काफी लोग जो है अच्छे स्टॉक्स बाय कर लेते हैं लेकिन उसको होल्ड कर नहीं सकते, उसको राइड नहीं कर पाते हैं, तो इनको बहुत बधाई। आईडीसी में कहूंगा यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, और इनका अगर नजरिया 2 या 3 साल का है तो यहाँ पे काफी बड़ा अपसाइड देखने मिल सकता है, और आप काफी अच्छे अपट्रेंड में आ चुका है स्टॉक, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखे तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। अगर चाहिए तो थोड़ा सा प्रॉफिट पार्ट जो है वो निकाल सकते हैं, और सेम गोज फॉर मजदूर के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल प्राइस हिस्ट्री कम है लेकिन कंसिस्टेंटली एक आउट परफॉर्मर रहा है। लेटेस्ट इसके जो स्विंग हाई ब्रेकआउट्स थे वो आपको 950-1000 रुपये देखने मिले थे, और वहां से स्टॉक जो है वो पैटर्न के शॉर्ट टर्म टारगेट्स ट्रिगर कर चुका है, अचीव कर चुका है। तो मैं ये कहूंगा इनकी खरीदारी जो है काफी निचले स्तरों की है, तो यहाँ पे प्रॉफिट पार्ट आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं कहूंगा अगर आपको 100 रुपये मिल रहा है तो वो प्रॉफिट अगर 100 रुपये मिल रहा है उसमें 30-40 रुपये बुक कर लीजिए पार्शल क्वांटिटी, बाकी आप उसको राइड कीजिए। और जब तक ये 1000 सस्टेन कर रहा है, कोई डिक्लाइन अगर आएगी तो ये अप ट्रेंड में तो है, हायर टॉप शायर बॉटम बन रहा है, तो कोई डिक्लाइन अगर 1000 पे आती है तो वहां पे फिर एक अच्छा आपको बाइंग इमेज आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि वहीं पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था और स्टॉक जो है फिर वापस हायर हाई हायर लो बनाता रहेगा। मुझे लग रहा है यहाँ से आपको और 20-25% की अपसाइड आपको और देखने मिल सकती है। मैं फ्रेश एंट्री किसी के लिए एडवाइस नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि इनकी बाइंग काफी निश्चित स्तर की है, थोड़ा पार्टली प्रॉफिट बुक करके और आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो हर्ष साहब, आप आईटीसी को तो साइड में रख दीजिए, उसको तो रखने में कोई दिक्कत नहीं है, और रही बात माजगांव डॉक की, तो 3 गुना हो चुका है आपका पैसा, एक तिहाई हिस्सा निकाल लीजिए, कैपिटल निकल आया, बाकी पैसे को आप छोड़ दीजिए, फ्री के शेयर हैं, आप उसे लंबे समय तक भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ पैसा एटलीस्ट आप निकाल लीजिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।